कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वही अमेरिका में। अरे अब तो घर का जाना, मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा। मुझे कुछ बनना था, हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पा रही हैं। बॉलीवुड की फिल्मों के रिलीज डेट सामने आते ही इसका विरोध होना शुरू हो जा रहा है। अब ट्रोल्स के निशाने पर अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा है। इन दोनों फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विरोध हो रहा है। जहां आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी कुछ बोलते हुए नजर आए। आमिर खान ने करण जौहर के शो में इस फिल्म से जुड़े कई राज खोले थे। अब आमिर खान की फिल्म से जुड़ी कई खबरें भी सामने आई, जिसे जानने के बाद मेकर्स के साथ साथ आमिर खान को भी झटका लग सकता है। जी हां, सोशल मीडिया पर बॉलीवुड फिल्मों की धज्जियां उड़ाने वाले कमाल राशिद खान यानी कि KRK ने आमिर खान, नागा चैतन्य और करीना कपूर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसने सबके होश उड़ा दिए। जानकारी के लिए बता दें कि आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले KRK के ट्वीट ने सबको हिला दिया। KRK ने दो ट्वीट किए हैं, जहां पहले ट्वीट में दावा किया गया है कि आमिर खान की फिल्म 3 राज्यों में बैन हो गई है। KRK ने ट्वीट कर लिखा, लाल सिंह चड्ढा फिल्म को अनौपचारिक तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में बैन कर दिया गया है, क्योंकि इस फिल्म को दिखाने वाले कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहते। KRK के ट्वीट के बाद बी टाउन फिल्म में लाल सिंह चड्ढा को लेकर काफी तेज चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि KRK के इन दावों में कितनी सच्चाई है। KRK ने ट्वीट कर सबको इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, फिल्म लाल सिंह चड्ढा इज अनऑफिशियली बैन इन स्टेट लाइक MP, UP, हरियाणा एटसेट्रा। एग्जीबिटर्स आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क टू शोकेस LSC यानी कि लाल सिंह चड्ढा। तो आजकल मीडिया में काफी चर्चा है कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही यानी कि लाल सिंह चड्ढा ने रिलीज से पहले ही 550 करोड़ रुपए की कमाई की है। कैसे? डिजिटल राइट्स 160 करोड़ रुपए में बिके हैं, सैटेलाइट राइट्स 180 करोड़ में, म्यूजिक राइट्स 60 करोड़ में, इंटरनेशनल राइट्स 150 करोड़ में। अब इस दावे की KRK ने पोल खोल दी है। उन्होंने कहा, ये एकदम फेक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो भी इस पोस्टर में लिखा है वो सब कुछ गलत है और ये सिर्फ दिखाया जा रहा है कि फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। फिल्म के रिलीज के कुछ हफ्तों बाद सच्चाई पता चलेगी कि सच में एक्चुअल क्या प्राइस में बिकी है चीजें। वेल, आपको इस बारे में क्या कहना है और KRK के इस दावे के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।